अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं बना रही हूँ हरे धनिया की चटनी ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है इसे बारबेक्यू और मछली के साथ खाया जाता है चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया हरा धनिया हरा धनिया मैं डंडियों के साथ लूँगी दोदद मैंने लिए टमाटर हरी मिर्चें लिए मैंने आठ से दस इमली मैंने एक मुठ्ठी भिगो दी है पानी में पुदीने की एक गट्ठी ले ली है मैंने दो अदद मैंने ले ली है लहसुन के जवे आधा चम्मच मैंने ले लिया भुरा हुआ ज़ीरा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और चार से पाँच मैंने ले लिए हैं गोल लाल मिर्च सारी चीज़ें मैं अब जार में डाल दूंगी सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं कटे हुए लहसुन के जवे भी मैं इसमें डाल दूंगी गोल लाल मिर्च भी मैं इसमें डाल दूंगी हरे धनिए का एक बंच ले लिया है मैंने हरा धनिया मैंने डंडियों के साथ इसमें डालना है डंडिया वेस्ट नहीं करनी है आपने इसमें डंडियों का ही फ्लेवर आएगा इस तरीके से काट लें हमें इसमें टमाटर डाल दूंगी दोनों टमाटर मैंने बड़े साइज के लिए इमली का मैंने पल्प निकाल लिया है सारा इसमें से गुठलियाँ फेंक दी हैं ये पानी में डाल दूंगी इसमें भुना हुआ जीरा डाल दूंगी आधा कप मैं इसमें पानी का डाल दूंगी नमक और पुदीना मैंने नहीं डाला इसमें अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे एक से डेढ़ मिनट में ये ब्लेंड हो जाएगी अब इसमें डाल दूंगी मैं पुदीना पुदीने की सिर्फ पत्तियाँ डाली हैं मैंने इसके अंदर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लिएगा अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करना जितनी देर मैंने आपको दिखाया है ये देखें जी हमारी बेहतरीन सी चटनी रेडी है इतनी बेहतरीन चटनी बनकर तैयार हुई है फ्लेवर में भी बहुत ज़बरदस्त होगी अब मैं इसी चटनी से आपको एक और चटनी बनाना सिखाऊंगी इसके लिए हमने ले ली है यही पिसी हुई चटनी दही लिया है एक कप और पिसी हुई काली मिर्च ले ली है ये चटनी भी बारबेक्यू के साथ खाई जाती है सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे अच्छे तरीके से अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं पिसी हुई काली मिर्च वन फोर टी स्पून और तीन चम्मच डाल दूंगी मैं इस चटनी के जो भी हमने पीसी है मैंने भरकर डाले हैं नमक आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लिएगा मैं नहीं कर रही हूँ मुझे इतना नमक ही अच्छा लगता है इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से लेकिन जी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई है ये जी हमारी दोनों चटनियाँ रेडी हैं बारबेक्यू करें तो ये दोनों चटनियाँ ज़रूर बनाइएगा इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है बारबेक्यू के साथ और मछली के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा